तो ज़्यादातर हम सभी यही चाहते हैं कि हम अपने पैसों को कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर पाएं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाएं, और यहीं शुरू होती है हमारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम सभी अपने पैसों को ग्रो तो करना चाहते हैं पर हमें ये नहीं पता होता है कि आखिर हम कहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करें जिससे हमारा पैसा सच में ज़्यादा और जल्दी ग्रो हो पाए, वो भी बिना किसी रिस्क के। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज सभी लोग अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते होंगे तो आप बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि भारत में देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में मात्र 7 से 10% लोग ही सही मायने में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब है बाकी के लोगों को अभी इन्वेस्टमेंट की शायद बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। पर दोस्तों, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं और अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं। इसलिए आज मैं आपको सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बताऊंगा और उसको बाकी इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करके भी दिखाऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो आपके मन में कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आते होंगे, जैसे कि SIP, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ब्लू चिप्स, शेयर मार्केट, शेयर्स और कई सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं। पर आखिर इनमें से सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान कौन सा है? तो आखिर हम एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि अगर आप SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कोई भी बिना रिस्क लिए अपने पैसों को जल्दी और ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। पूरे स्टॉक मार्केट में सिर्फ SIP ही है जो हमें बिना रिस्क के ज्यादा रिटर्न बनाकर देता है। इसका एडवांटेज है कि हम इसमें कम पैसे से जैसे कि 500, 1000 या 2000 रुपए से भी हर महीने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, SIP में हम एक फिक्स्ड अमाउंट अपनी सैलरी या इनकम का उस फंड में इन्वेस्ट करते हैं या एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। अगर आप अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट का यूज़ करते हैं तो आप ना तो अपने पैसों को बिना किसी टेंशन के अपने फंड में हर महीने इन्वेस्ट ही कर पाएंगे, बल्कि दोस्तों आपको मार्केट की डेली के एनालिसिस करने की भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक बार के डिसीजन से ही आपके बैंक से, आपकी सैलरी से वो फिक्स्ड अमाउंट आपके SIP में इन्वेस्ट होता रहता है। और दोस्तों, अगर किसी भी महीने में आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं हो पाते हैं तो उस स्थिति में आप अपनी SIP को स्टॉप भी कर सकते हैं। और इसकी यही एक अच्छी बात है कि इन्वेस्टमेंट रोकने पर भी जब तक आपका पैसा वहाँ इन्वेस्टेड रहेगा तब तक उसकी वैल्यू ग्रो होती रहेगी, और यही होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि इसमें आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी सपोर्ट मिलता है जिससे आपका पैसा जल्दी और ज़्यादा ग्रो होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की रियल पावर को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोस दी हैं आप उनको विजिट कर सकते हैं। खैर, इसको हम एक स्टोरी से यहाँ पर भी समझने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बार की बात है जहाँ एक राजा रहता था, और दोस्तों जिसे अपने ऊपर बहुत सारा घमंड था क्योंकि उसे लगता था कि उसे कोई भी इंसान डिबेट में नहीं हरा सकता है। अब दोस्तों, उसने एक दिन पूरी आम जनता के सामने ये चैलेंज रख दिया कि जो भी मुझे डिबेट में हराएगा वो जो भी मांगेगा मुझसे मैं उसको दूंगा। अब दोस्तों, वहाँ की जनता बहुत ही ज़्यादा विचार में पड़ गई और सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने अपना हाथ खड़ा किया और उसने कहा कि मैं तुम्हें डिबेट में हरा कर दिखाऊंगा। अब दोस्तों, दोनों के बीच काफ़ी समय तक डिबेट चलती रही और दोस्तों कुछ समय बाद राजा उस डिबेट में हार गया। अब दोस्तों, राजा ने सोचा कि अब ये मुझसे कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा मांगने वाला है। खैर, उस व्यक्ति ने राजा को सबक सिखाने के लिए कहा कि उसने एक चेस मंगाया। अब दोस्तों, उसने कहा मुझे हर एक खाने पर एक सोने का सिक्का चाहिए, पर अगले ही खाने पर उसे डबल सिक्के चाहिए। मतलब अगर पहले खाने पर एक सिक्का है तो अगले खाने पर सोने के 2 सिक्के होने चाहिए। इसी तरह से सोने के सभी सिक्के पूरे चेस पर हर खाने पर डबल होते चले जाए। अब दोस्तों, तीसरे खाने तक आते आते सोने के सिक्कों की संख्या 53 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी थी। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि जैसे जैसे और खाने बढ़ते गए उनकी कीमत अरबों से खरबों में बढ़ती चली गई। दोस्तों, इसी तरह से एक टाइम बाद जब उसके पास इतने सिक्के ही नहीं बचे कि वो उन सभी खानों को भर सके, तब वो जान गया कि आखिर मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब दोस्तों, उसने उस इंसान से अपनी क्षमा मांगी। तभी दोस्तों, यहाँ से हमें पता चलता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। दोस्तों, एक फिश चेस को भरने के लिए उसके पास उसके पूरी जितनी विरासत में उसको सोने के सिक्के मिले थे वो भी कम पड़ गए थे सिर्फ उस चेस में भरने के लिए। इसी तरह से अगर आप भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ जाते हैं तो आप भी आसानी से करोड़पति से अरबपति कब बन जाएंगे आप जान भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ही होता है। मान लेते हैं कि आप 25 साल के हैं और आप एक जॉब करते हैं। आपकी मंथली सैलरी अगर 25,000 रुपये की है तो दोस्तों, अगर आप उसी सैलरी से मान लेते हैं 5,000 रुपये की हर मंथ SIP करते हैं, वो भी एवरी मंथ,
इसी से अगर हम मानते हैं कि ये SIP आप अगले 30 सालों तक करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। इस तरह से दोस्तों आप हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे अपने फंड में, उसी के साथ आप एक साल में टोटल 60,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और 30 सालों में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 18,00,000 रुपये का हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हम ध्यान दें तो कम से कम SIP में आपको 12% के रिटर्न आसानी से मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही आम बात है। इस तरह से अगर हम 30 सालों में बात करें तो आपके 18 लाख रुपयों की वैल्यू पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए 1,76,00,000 हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट और रिटर्न है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके मात्र 18,00,000 रुपयों की वैल्यू 1,76,00,000 रुपये बन चुकी है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और दोस्तों आपने इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ 5,000 रुपये से इन्वेस्ट किया था, तो दोस्तों इससे पता चलता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए आप अपना छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी कितना ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं। और दोस्तों एक बार ये अमाउंट आपको मिलने पर आप आसानी से फाइनेंशियली फ्री होते हैं और साथ ही साथ आप वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में जीना चाहते थे। इसी के साथ दोस्तों आपकी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो भी बहुत ज़्यादा सुखी रहेगी। दोस्तों आज के टाइम पर ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अमीर बनने के लिए आपके पास ज़्यादा पैसा हो, आपके पास बड़ा बिजनेस हो, बल्कि दोस्तों कंपाउंडिंग के जरिए आप छोटे से अमाउंट को इन्वेस्ट कर करके करोड़पति बन सकते हैं। बस इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना पैसा कब, कहाँ और कितना इन्वेस्ट करना है। SIP के जरिए हमारा पैसा कई जगहों पर इन्वेस्ट होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में, इंडेक्स फंड में। दोस्तों म्यूचुअल फंड में हम जब भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है जो कि हमारा पैसा ऐसी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो कि हमें ज़्यादा रिटर्न बनाकर दे सकें। और दोस्तों वो हर दिन एनालिसिस करता है मार्केट की कि मार्केट कहाँ ऊपर जा रहा है, कहाँ नीचे जा रहा है, कौन सी कंपनी मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और वो आपका पैसा उसी में इन्वेस्ट करता रहता है। और दोस्तों इन्हीं सब के लिए वो हमसे कुछ फीस चार्ज करता है जिसे हम कहते हैं एग्जिट फीस। दोस्तों ये आप अगर देखेंगे तो इसी जरिए आपकी जो म्यूचुअल फंड होता है उसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.3 से 3% तक हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होता है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में ये आप पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। और वहीं अगर हम बात करें इंडेक्स फंड की, तो दोस्तों टॉप जो कंपनीज होती हैं मार्केट की उन्हें मिलाकर इंडेक्स फंड बनता है। वैसे हमारे भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज फंड है, जो कि पहला का नाम है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरे का नाम है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों NSE मतलब जिसमें टॉप 50 कंपनीज शामिल होती हैं, जिसे हम निफ्टी 50 कहते हैं, और दोस्तों BSE जिसमें टॉप 30 कंपनी शामिल होती हैं, जिसे हम सेंसेक्स कहते हैं। दोस्तों इन्हीं के ग्राफ को देखकर हमें पता चलता है कि मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे जा रही है, और इसी पर हमारा डिपेंड होता है प्रॉफिट। दोस्तों जब भी हम इनमें पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो इसी ग्राफ को देखते हैं, अगर ये ग्राफ ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट मिलता है, और यही ग्राफ अगर नीचे आता है तो हमें लॉस होता है। पर इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ये टॉप कंपनीज होती हैं जो कि आपको हर हाल में अच्छा परफॉर्म्स करके ही देती हैं। वैसे अगर हम बात करें एक डाटा की, तो लगभग 15 सालों से इंडेक्स फंड ने हमें 15% से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। दोस्तों वॉरेन बफेट भी कहते हैं, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट की जर्नी दोबारा स्टार्ट करनी हो तो मैं इंडेक्स फंड से ही स्टार्ट करूंगा। पर दोस्तों वहीं अगर हम SIP की बात करें तो SIP में कई और चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे कि SIP में हमारा पैसा 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है कि हमें कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जैसे कि आपने कितने टाइम के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, सेकेंड आपने कितना पैसा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, साथ ही में थर्ड आपने कहाँ पर इन्वेस्ट किया है। दोस्तों अगर हम बात करें कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो अगर आप जितना ज़्यादा पैसा SIP में इन्वेस्ट करते हैं आपको उतने ही ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलते हैं। पर दोस्तों अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप 500,000 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं, आप आगे चलकर इस अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों अगर हम सेकंड पॉइंट पर बात करें, तो आप अगर ज़्यादा टाइम के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। पर भारत में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लोग 5 साल के अंदर ही अपना इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। दोस्तों आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है और इसे विजन बनाकर चलना है कि दोस्तों SIP में इन्वेस्ट करना मतलब ये एक आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। दोस्तों इसमें शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं मिलता है, हर चीज़ लॉन्ग टर्म में ही दिखती है। कंपाउंडिंग का मैजिक भी आपको लॉन्ग टर्म में ही अच्छा प्रॉफिट कमा कर देता है।
और इसमें सभी बेनिफिट आपको थोड़े समय बाद ही मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें डिसिप्लिन ना रखें। आपको डिसिप्लिन के साथ अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए और ये आपको जल्द ही करोड़पति बना देगा। दोस्तों, अगर हम थर्ड पॉइंट पर बात करें कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसके लिए आपको मार्केट की थोड़ी एनालिसिस करनी चाहिए कि कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट होगा। और आप अगर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड के जरिए भी वहाँ पर SIP कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। और दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम ऐसे वैल्यूबल कंटेंट बनाते रहते हैं, जिससे आप SIP, इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं। और इसके लिए आपको डेली मार्केट की एनालिसिस करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।